हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं ब्राउनी विथ आइसक्रीम। सो चलिए शुरू करते हैं। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है हाफ कप डार्क कंपाउंड चॉकलेट। हमें इसको मेल्ट कर लेना है, हम इसको डबल बॉयलर में मेल्ट करेंगे। एक पतीले में पानी करना है, उसके ऊपर हमें ये बाउल रख के मेल्ट करना है। डायरेक्ट फ्लेम पर इसको मेल्ट नहीं करना है। जब ये गर्म हो तब भी हम उसमें डालेंगे 1/3 कप बटर, ये सॉल्टेड बटर। अब हम इसको, ये गर्म है तब भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे और बटर भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छे से बटर भी मेल्ट हो गया है। अब हम इसके ऊपर छन्नी रखेंगे और हम उसमें डालेंगे 1/2 कप पिसी हुई चीनी। अब हम उसमें डालेंगे 1 कप मैदा। उसके बाद हम उसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और डालेंगे 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर। अब हम सारी चीज़ों को छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें छान ली है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। जितना ज़रूर लगे उतना दूध डालते हुए हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने 1/3 के ऊपर 2 टेबल स्पून दूध डाला था, उतना दूध इसमें चला गया था। तो हमारा यहाँ पे बैटर बन के रेडी है। तो हमें ऐसी कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा बैटर बन के रेडी है। हमें इसका बैटर इस तरीके का रखना है। अब हम इसमें डालेंगे चॉप्ड वॉलनट्स है, वो डालेंगे। आपको अगर कोई भी और नट्स पसंद हो तो आप डाल सकते हो। तभी हम इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने ये स्क्वायर शेप का केक टिन लिया है, अब हम इसमें डाल देंगे। इसको मैंने ग्रीस कर लिया है और बटर पेपर भी लगा लिया है। अभी हम इसको अच्छे से इसमें स्प्रेड कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे स्प्रेड होकर रेडी हो गया है। अब ऊपर से भी हम थोड़ा इसमें चॉप्ड वॉलनट्स डाल देंगे। अब हम इसको प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 20 to 25 मिनट्स के लिए बोथ साइड पर बेक कर लेंगे, बट प्री हीटेड ओवन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्राउनी बन के रेडी हो गया है। हम इसे टूथपिक डाल के देख लेंगे सभी जगह से, ये क्लीन बाहर आ रहा है, इसका मतलब ही रेडी है। अब हम इसको कम्प्लीटली कूल डाउन होने देंगे, उसके बाद हम इसको अनमोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसको अब इसे टैप करके पहले निकाल देंगे, उसके बाद ये बटर पेपर हम हटा देंगे तो ईजीली निकल जाएगा। अगर ये कम्प्लीटली कूल डाउन हो जाए बट उसके बाद ही हमें इसको निकालना है, गरम गरम हो तब भी नहीं निकालना। अभी हम इसको फ्लिप कर देंगे। अभी हम इसके पीसेस, आपको जैसे पसंद हो ऐसे आप पीसेस काट लें। तो यहाँ पे मैंने 9 पीसेस कट कर लिए हैं। आप इसको स्टोर कर सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो, बट अभी हम इसको आइसक्रीम के साथ सर्व करेंगे। जैसे बाहर मिलता है ब्राउनी विथ आइसक्रीम, तो वो थोड़ा गर्म हो ब्राउनी तो ही अच्छा लगता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे करना है। अभी हम एक नॉनस्टिक पैन लेंगे, एकदम लो फ्लेम पे हमें जितने सर्विंग का आपको सर्व करना है, जितने बाउल आप उतना पीसेस ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अभी 2 पीसेस लिया है। लो फ्लेम पे इसको हमें ढक के 30 से 40 सेकंड के लिए रखना है। उसके बाद हम उसको एक प्लेट में ले लेंगे, उसके बाद हम उसमें आइसक्रीम उसके ऊपर रखेंगे और फिर हम इसके ऊपर चॉकलेट सिरप ड्रिजल करेंगे। तो यहाँ पे बन के रेडी है हमारा ब्राउनी विथ आइसक्रीम। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक बनाते रहिए, खिलाते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।